तो गाइस आज अपन बात करने वाले हैं मेरे कोविड वैक्सीन के सेकंड शॉट के बारे में। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन ग्राफिक के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि डोज़ वन और डोज़ टू में कैसा साइड इफ़ेक्ट हुआ था। अगर आपको देखना है तो आप ये वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। मुझे टेनिस खेलने जाना है, तो मेरा जो सेकंड शॉट हुआ था वो 2 हफ्ते पहले हुआ था, और सेकंड शॉट के बाद मुझे पर्टिकुलर उस डे कुछ नहीं लगा, बट नेक्स्ट डे मेरे पैर बहुत दर्द हुए। तो ये कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस था। कई लोगों के साथ जो सेकंड डोज के बाद हुआ उन लोगों को मतलब इनडाइजेशन हो गया और डायरिया हो गया, और कुछ लोगों को फीवर आ गया, बट मेरे केस में मुझे सिर्फ पैर दर्द हुआ। और एक दिन काफ़ी पैर दर्द हुआ, तो मैंने फुल रेस्ट किया और नेक्स्ट डे आई वॉज 100%। और ये हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ मैंने ये भी कोशिश करी है कि अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाऊँ। उस कारण से मैं हफ्ते में 3 दिन टेनिस खेलने जाता हूँ, तो फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, जो ऑफिस का वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है वो भी कम होता है और अच्छा भी लगता है। तो मैंने यही सोचा है कि जब मैं ये अपने हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो आपको इस तरीके के सराउंडिंग्स भी दिखाऊंगा। तो जब सराउंडिंग्स में आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा, मतलब अभी तो वीडियो बहुत मोनोटोनस और काइंड ऑफ अच्छा नहीं बन रहा था, बट ऐसे आपको वीडियोस आपको दिखाऊंगा। आपने देखा होगा पीछे कुछ लोग टहलते हुए गए, तो आपको देखने में भी सीनरी अच्छा लगेगा। और आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा व्यू है। अभी मैं आपको एक सर्कल करके दिखा देता हूँ। ये एक हिल टॉप का पार्क है, यहाँ पे व्यू काफी अच्छा आता है सुबह में भी और रात में भी। यहाँ से जो मॉर्निंग में और इवनिंग में व्यूज़ देखता है, यहाँ पे पूरी लाइट जलती रहती है पहाड़ों तक, वो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं एक दिन रात में भी आकर वीडियो बनाऊंगा और वो भी अपलोड करूंगा आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये है, ये हिल टॉप पे व्यू दिखता है इस पार्क में। नेक्स्ट व्यू होगा मेरे 4 मंथ्स के हेयर ट्रांसप्लांट अपडेट के बारे में, जो अभी है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट। अभी तो लाइट बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसा आपको हल्का मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा सनलाइट के अंदर। और ये है क्राउन एरिया और ये है डोनर एरिया, और इस बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो अपना 4 मंथ्स का ट्रांसप्लांट का रिजल्ट होगा। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।